हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक टॉयज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सोलो कंपनी कम से कम एक साल से ज़्यादा समय हो गया मार्केट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, यानी कि उसने कोई भी अपने नए फ़ोन लॉन्च तो नहीं किए इधर एक साल के आसपास। लेकिन अचानक ही सोलो कंपनी एक अपना नया फ़ोन लेकर आ गई है बजट रेंज में, सिर्फ 4,444 रुपये की कीमत में। और दोस्तों, आपको याद होगा कि सोलो कंपनी एक समय काफ़ी अच्छी कंपनी के रूप में उभर रही थी। ये एक लावा का ही सब ब्रांड है, यानी कि लावा की ही कंपनी है जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मोबाइल बेचती है। तो लावा का ये ब्रांड एक समय मार्केट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अचानक इतने ज्यादा कंपटीटर्स की बाढ़ आ गई बजट रेंज में, जिसकी वजह से सोलो लगभग पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर ही हो गई। लेकिन इस फोन से सोलो वापसी करना चाह रही है, यानी कह सकते हैं आप कि ये सोलो का कमबैक फोन है। तो आखिर देखना ये होगा कि सोलो इस प्राइस रेंज में पुराने फ़ोन्स को जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं पहले से ही, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो आप कह सकते हैं 7,000 से कम या 5,000 से कम की रेंज में पूरी तरीके से शाओमी का कब्जा है। शाओमी हो गया, ऑनर हो गया, अब तो रियलमी के फ़ोन भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको काफ़ी कम कीमतों में। और उसके अलावा आसूस भी है जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी फ़ोन आपको 5,000 से कम कीमत में नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपका बहुत ही टाइट बजट है, यानी कि 4,500 रुपये, और आप कुछ भी पैसे उसमें नहीं ऐड कर पा रहे हैं, यानी कि ऐड करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है या नहीं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं सोलो एरा 4X के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करें सोलो एरा 4X के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है 5.45 इंच का एक HD+ 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल व्यू 2.5D कर्व ग्लास वाला डिस्प्ले, और साथ ही साथ आपको इस पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आप रेडमी 6A ले सकते हैं, रेडमी 5A ले सकते हैं, शाओमी M1 लाइट देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे फ़ोन्स आपको यही डिस्प्ले देते हैं, साथ ही साथ कुछ फ़ोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है, और इसमें आपको ये प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये फ़ोन कंपटीशन में पुराने फ़ोन से, यानी कि रेडमी के फ़ोन से और बाकी कंपनियों के फ़ोन से आगे निकल जा रहा है, क्योंकि ये आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और कोई भी कंपनी इस प्राइस रेंज में नहीं दे रही है। इसके बाद देखा जाए कि आपको ये कौन सा एंड्रॉयड वर्जन दे रहा है, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो 8.1 मिलता है। तो अगर देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है। अभी भी मार्केट में ज़्यादातर फोन इसी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे एंड्रॉयड पाई अपडेट्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं काफ़ी फ़ोन्स को मिल भी चुकी हैं। फ्यूचर में सोलो अपने इस फ़ोन को अपडेट देता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, और सोलो ने ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं जताई है कि वो आगे इसको अपडेट देगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन इस समय के हिसाब से और इस प्राइस रेंज के हिसाब से, यानी कि एंड्रॉयड 8.1 काम चलाने लायक ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कैमरे की, तो रियर में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश, यानी कि रियर में आपको सिर्फ सिंगल कैमरा ही मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ी सी और प्राइस रेंज बढ़ने पर काफ़ी फ़ोन अब ड्यूअल कैमरा सेटअप दे रहे हैं, और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल भी दे रहे हैं। अगर आप आसूस का M1 लाइट देखते हैं तो उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है रियर में, और वो कभी कभी सेल में आपको 5,000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन वैसे उसका एक्चुअल प्राइस 6,000 रुपये है, ज़्यादातर वो इसकी प्राइस रेंज में बिकता है। तो अगर मेगापिक्सल की बात की जाए तो इस समय मेगापिक्सल ही कोई भी मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आपको किसी फ़ोन में 25 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलता है, वो भी आपको दूसरे फ़ोन के 12 मेगापिक्सल कैमरे से बेकार मिलता है, यानी वो उससे ख़राब फ़ोटोज़ क्लिक करता है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो 8 मेगापिक्सल आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा वो तो फ़ोन मार्केट में आने के बाद ही पता चल पाएगा। और इसके अलावा आपको फ्रंट में भी 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, साथ ही साथ आपको LED फ्लैश भी मिलती है। फ्रंट और रियर में आपको दोनों में ही एवरेज कैमरे मिलते हैं, साथ ही साथ आपको दोनों में ही LED फ्लैश मिलती हैं। और इसके अलावा बात की जाए सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसमें फेस अनलॉक का फीचर मिलता है, जो कि आजकल लगभग हर फोन में आम तो हो गया है, लेकिन अब भी बजट फोन्स में ये नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4,444 रुपये में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको डुअल 4G वो LTE भी मिलता है, यानी कि अगर आप दो सिम लगाते हैं और दोनों के दोनों आप चाहें तो 4G वो LTE के साथ यूज़ कर सकते हैं।
आजकल ज़्यादातर फ़ोन तो इस फीचर के साथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ोन अभी भी इस फीचर के साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है, साथ ही साथ आपको वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2 और इसके अलावा GPS भी आपको मिलता है, और इसमें FM रेडियो भी आपको मिलेगा। और लास्ट में बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसमें आपको 3000 mAh की मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ठीक ठाक बैटरी भी कही जा सकती है। 3000 mAh की बैटरी भी अगर इसे ऑप्टिमाइज की जाए, सही से यूज़ की जाए, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। अभी कंपनी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं रिलीज़ किया है कि आखिर ये बैटरी आपको 3000 mAh की कितनी देर का स्टैंड बाई टाइम देगी, कितनी देर का ऑन नेट टाइम देगी, इस तरह की कोई भी जानकारी अभी Zolo ने नहीं रिलीज़ की है। और साथ ही साथ इसमें आपको कितनी GB की रैम मिलेगी, कितनी इंटरनल स्टोरेज रहेगी और कौन सा प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा, जो कि सबसे मेन बात कही जा सकती है, जो कि फ़ोन के परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा कि आपकी ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा। काफ़ी हद तक कहा जाए तो यही फ़ोन की क्वालिटी आपको बताएगा, मेन चीज़ें हैं यही, लेकिन अभी Zolo ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं रिलीज़ की है। और ये फ़ोन आपको 9 जनवरी 2019 से amazon.in पे मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी Zolo ने सिर्फ इसका टीज़र रिलीज़ किया है और टीज़र में सिर्फ यही सारी जानकारियाँ ही निकल कर आई हैं। तो जैसे ही फ़ोन रिलीज़ होगा उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, उसका रिव्यू देंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी से देखा जाए तो 4444 रुपये में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है। और उम्मीद करते हैं कि Zolo इस फ़ोन में अच्छा प्रोसेसर भी देगा, साथ ही साथ आपको 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज देगा, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी आम बात है और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों, अगर आपको इस फ़ोन का रिव्यू चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे फ़ोन लॉन्च होगा मैं इसका रिव्यू अपलोड कर दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल गैजेट एंड टेक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।